हेलो एवरीवन, मंगरोल मल्टीमीडिया की यूट्यूब चैनल मंगरोल फूड्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम बनाने जा रहे हैं शेंगदाना की हरी चटनी। ये चटनी इडली डोसा के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आइए, हमने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए, देखते क्या क्या है। हमने यहाँ पर लिया है शेंगदाना, हमने शेंगदाना सेके हुए शेंगदाने लिए हैं जिसका छिलका निकाल दिया है। हरी धनिया ले लिए, मिर्ची ली है, दो मिर्ची ली है। मिर्ची तीखी होती है इसलिए हमने दो ही ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप और मिर्ची ले सकते हैं। लहसुन के कुछ पीसेस लिए हुए और नींबू थोड़ा सा, नमक स्वादानुसार और पानी। तो आइए हम इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सिंगदाना डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। उसके बाद हम डालेंगे दो कटी हरी मिर्च, लहसुन, और थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इन चीजों को फिर से ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। हमें इसे अच्छी तरह मिलाते रहना है। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। देखिए अच्छी तरह इसका टेक्सचर आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा ही ग्राइंड कर लेंगे, एकदम थोड़ा सा। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे।
आप चाहिए तो इसमें पुदीना का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने ये सर्विंग बाउल में निकाल ली है चटनी। इसी तरह से रेडी हमारी शेंगदाना की हरी चटनी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।